विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं है तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को वे पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक बीते मंगलवार को दिल्ली में संपन्न हो गई। इस बैठक को लेकर ऐसी खबरें निकल के आई हैं कि इंडिया गठबंधन में मायावती के एंटी अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं। लेकिन हर कोई जानना चाहता है लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती किसके साथ जाएंगी, ये सस्पेंस बना हुआ है। वहीं इस बीच आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशारों ही इशारों में अपना रुख साफ कर दिया है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर भी हमला बोला है। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं है तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को वे पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यह मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है जो घिनौनी राजनीति की जा रही है ये अति दुखद व चिंतनीय भी है जो नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा मजबूत नहीं तथा इससे लोगों में आपस में नफरत पैदा होती है जो ये कतई भी उचित नहीं है। इस बात का भी सभी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो मायावती ने इशारों इशारों में बड़ा संदेश दे दिया है कि कभी भी किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो अब देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। आपका मायावती के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।